क्या राम का किरदार करने वाले रामायण में अरुण गोविल की कहानी है ये, आप कह सकते हैं क्योंकि उनके साथ भी, उनसे ही इंस्पायर होकर ये कहानी बनाई गई है कि उनके भी जीवन में उछल कूद हुआ था जब उन्होंने एक सिगरेट पी ली थी, तो उसी के बेस पे हम लोगों ने इस कहानी को कहीं ना कहीं पिरोया है। लेकिन एज ए एक्टर मैंने इसमें जो काम किया है, मेरी प्रयास है कि मैं उस राम की भूमिका में कोशिश बहुत किया हूँ, बट राम तो बन नहीं पाया और ना ही मैं बन पाऊँगा और मुझे राम बनना भी नहीं है। मैं एक इंसान के रूप में चाहता हूँ अपने जीवन को चलाऊँ और इंसान के रूप में ही राम के आचरण को अपने अंदर लेकर अपने जीवन को चलाऊँ, ये मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। खेसारी जी, लहरे भोज की तरफ से सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। टीजर जो है रिलीज होते ही हिट हो गई पूरी पिक्चर, इसमें कोई दो राय नहीं थी, मुबारकबाद इसके लिए आपकी पूरी टीम को। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें अलग अलग किरदार सेट, जैसा कि आपने कहा कि एक आर्टिस्ट के ऊपर डिफरेंट पूरा किरदार है, तो किस तरह की तैयारी आपने अलग अलग किरदारों के लिए की उसके बारे में? देखिए, एक लोहाई है जो गन भी बनाता, लोहा से गन भी बनता है, गोली भी बनती है, चाकू भी बनता है, दुनिया का हर उत्तेजदार हथियार बनता है। तो समझ लीजिए कि हमारा किरदार लोहा है, एक सरिया है, उस सरिया से इस सिनेमा में कई प्रकार के हथियार बनाए गए हैं, लेकिन लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं कि ये लोहा ही है, एक कलाकार है। कलाकार इसमें कोई नहीं मान रहा है, हर उस मेरे कलाकारी से हर आदमी जुड़ गया है। और जुड़ने के बाद जो मुझे प्रॉब्लम हुई है, वो शायद भगवान राम के जीवन में भी उसका ही प्रॉब्लम आया था जो मुझे आई है सिनेमा में प्रॉब्लम। और मुझे मज़ा आया इस सिनेमा को करने के बाद, क्योंकि मुझे लगा जी मेरे जीवन की इससे बड़ा रोल अब मुझे पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं। अब बरक्स मैं कहना चाहूँगा, रिलीज किया गया ये बच्चन साहब का आइकॉनिक सॉन्ग है और जब ये रिलीज हुआ था तो काफ़ी हिट हुआ था। अब बच्चन साहब, क्या इस गाने की शूटिंग के लिए आपने कुछ तैयारी की, उनके स्क्रिप्ट देखे या फिर कुछ और? नहीं, बच्चन साहब को कौन देखना नहीं चाहेगा, बट वो बहुत साल, मुझे लगता है कि मेरे जन्म से पहले के ये गाने होंगे, तो मैंने उन चीज़ों को देखा नहीं, बट हम लोगों ने नए तरीके से कोशिश की है। उनको कॉपी करना आसान काम नहीं है कि मैं बच्चन साहब को कॉपी करूँ, आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। बट खेसारी क्या है वो मैं कोशिश किया हूँ कि दुनिया को बताऊँ कि मैं ये हूँ, बच्चन साहब अलग, वो ईश्वर है, तो ईश्वर को कॉपी करना बड़ा असंभव बात है। बट हम प्रयास किए हैं कि मैं खेसारी हूँ तो लोग मुझे खेसारी के रूप में देखें।